दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हुए गिरफ्तार। गौरतलब है कि सीबीआई ने 2021-22 की आबकारी नीति लागू करने में कथित भ्रष्टाचार को लेकर मनीष सिसोदिया को करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद बीती रात को किया गिरफ्तार। इटली में शरण लेने जा रहे प्रवासियों की नाव समुद्र में डूब जाने से हुआ भीषण हादसा, 12 बच्चों समेत 60 लोगों की हुई मौत। रिपोर्ट की माने तो प्रवासियों और शरणार्थियों से भरी ये नाव इटली के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित केलाब्रियो के तटीय शहर क्रोटोन में डूब गई, जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के नागरिक सवार थे। मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव के लिए आज होगा मतदान। नागालैंड में 13 लाख से अधिक मतदाता हैं और 59 सीटों के लिए चुनाव होगा, जहां 183 प्रत्याशी भाग लेंगे। वहीं मेघालय में 369 उम्मीदवार हैं, जहां 59 सीटों के लिए चुनाव लड़ा जाएगा। एक समय में दुनिया की टॉप मोबाइल कंपनी रही नोकिया ने 60 साल बाद बदला अपना लोगो। नए लोगों के बारे में बताते हुए कंपनी सीईओ ने कहा कि यह स्मार्टफोन से जुड़ी कंपनी के जुड़ाव को दिखाता था, लेकिन आज कंपनी का व्यवसाय बदल गया है और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्री ने किया बड़ा खुलासा, स्कूल जाने से रोकने के लिए ईरान में लड़कियों को दिया जा रहा है जहर। IRNA ने बताया कि 14 फरवरी को बीमार छात्राओं के माता पिता ने स्पष्टीकरण की मांग के लिए शहर के गवर्नर के सामने दिया था धरना। अदानी समूह के शेयर 527% तक टूटे, अमीरों की लिस्ट में चौथे नंबर से सीधे 30वें नंबर पे आ पहुंचे अडानी। आपको बता दें कि हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद अडानी समूह के शेयरों में दर्ज की गई थी बड़ी गिरावट। आज खत्म होगा किसानों का इंतजार। आज लाभार्थियों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त अंतरित की जाएगी। आज 8 करोड़ से भी ज्यादा किसानों के बैंक खाते में 16,800 करोड़ रुपए की राशि की जाएगी जमा। दिल्ली हाई कोर्ट ने अग्निपथ योजना पर रोक लगाने से किया इनकार, खारिज की सभी 23 याचिकाएं। कोर्ट ने कहा कि इस योजना में हस्तक्षेप करने की कोई वजह नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट में केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना का किया समर्थन। पीएम मोदी आज करेंगे कर्नाटक का दौरा। आपको बता दें कि 450 करोड़ रुपए की लागत से बना है कर्नाटक का शिवमोगा एयरपोर्ट, जिसका उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। एयरपोर्ट का यात्री टर्मिनल भवन प्रति घंटे 300 यात्रियों को संभाल सकने में है सक्षम।